रानी चिड़िया मजदूरी का काम करने शहर गई हुई थी। वह एक जंगल की बस्ती में रहती थी। वह जब काम करके अपने घर को लौट रही थी तो उसने ये खबर सुनी तो वह घबरा गई। वह अन्य पक्षियों की बातें सुनकर बहुत डर गई थी। तुमने सुना, कच्ची बस्ती वाले जंगल में बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। कई पक्षियों के घर टूट गए और कई पक्षी तो बह भी गए। हाँ, ये खबर मैंने टीवी पे देखी थी। अरे भैया, ये खबर कितनी देर की है? ये खबर तो सुबह से आ रही है। क्यों, कोई परेशानी है क्या? हाँ भैया, मेरा घर भी उसी जंगल की बस्ती में है। मेरे बच्चे वहाँ अकेले हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। अच्छा, जरा ध्यान से ही जाना। पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे। मैंने कई बार सोचा था कि मैं अपना घर ठीक करवा लूं, पर मेरे पास इतने पैसे ही नहीं थे। बारिश में तो कोई मजदूरी का काम भी नहीं देता। जब वह घर जाती है तो उसका घर पानी से भरा पड़ा था। मेरे बच्चों, तुम कैसे हो? माँ देखो, घोंसले में पानी भर गया। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। रुक जाए तो पानी भी उतर जाएगा। बच्चों, आज रात जैसे तैसे काट लो, कल सुबह ही हम शहर वाले जंगल चले जाएंगे। यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। बच्चों, तुम कुछ खा लो। कुछ देर बाद बारिश भी रुक जाती है। देखो देखो माँ, बारिश रुक गई। हाँ मेरी बच्ची, अगर बारिश रुकी रही तो कोई परेशानी की बात नहीं। अगर ये बारिश फिर से शुरू हो गई तो हमें फिर जाना ही होगा। रानी चिड़िया अपना सामान बांध लेती है और सुबह होने का इंतज़ार करती है। वह बेचारी बहुत थकी हुई थी तो उसे वहीं नींद आ गई और बच्चे भी वहीं सो गए। सुबह उठ के देखते हैं कि उनके घर में पानी भरा पड़ा है। सभी पक्षी भागा दौड़ी मचा रहे थे। अरे रानी चिड़िया, यहाँ से जल्दी चलो। निचले वाले इलाकों में बारिश के चलते पानी भर गया है। वहाँ बाढ़ आ गई है। हमें जल्दी ही यहाँ से निकलना होगा। का पानी भी भर गया है, बारिश भी बहुत तेज है। जल्दी पुल पे जाना होगा। बच्चों चलो यहाँ से, जल्दी चलो। सामान तो हमारा सब बह गया। जैसे तैसे अपनी जान बचा के भागते हैं। वह सब जाने ही वाले थे, उनके घर की छत का एक टुकड़ा उसकी बेटी परी के सिर पर जा गिरा और वह बेहोश हो गई। मेरी बच्ची, ये तुझे क्या हो गया? बारिश के पानी में वह बेचारी सबसे मदद मांगती है। कोई मेरी मदद करो भैया, आप मेरी बच्ची को डॉक्टर तक ले जा सकते हैं क्या? अरे रानी बहन, इस समय डॉक्टर कहाँ मिलेगा? तुम एक काम करो, जैसे तैसे पुल तक पहुँच जाओ, वहाँ कोई ना कोई सुरक्षा कर्मी मिल ही जाएगा। हाँ आप सही कह रहे हो, ये भगवान मेरी बच्ची की रक्षा करना। रानी चिड़िया किसी तरह पुल पर पहुँचती है। वहाँ एक डॉक्टर अपने परिवार के साथ खड़ा होता है। वहाँ रानी चिड़िया आवाज़ लगा रही होती है, कोई मेरी बच्ची को बचाओ, उसकी चोट लगी है। ये बात वह डॉक्टर सुन लेता है। लगता है इसका बच्चा बीमार है, मुझे जाना होगा। पर जी, हम जैसे तैसे यहाँ अपनी जान बचा के आए हैं और आप जा रहे हैं? देखो भूरी, मुझे जाना होगा। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपना काम करूं। तुम यही रहना, जब कोई सुरक्षाकर्मी आए तो उसके साथ चली जाना। उस डॉक्टर ने रानी चिड़िया को रोता देखा तो वह बोला, मैं डॉक्टर हूँ चिड़िया, क्या हुआ? आप डॉक्टर हो? हे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। वह डॉक्टर को लेके घर आती है। डॉक्टर कालू ने परी का इलाज शुरू किया। थोड़ी देर में उसे होश भी आ जाता है। डॉक्टर साहब, इस घड़ी में किसी ने मेरी मदद नहीं की। आप भगवान बन के आए हो, आपने मेरी बच्ची को बचाया है।
ये प्रेरणा मुझे ईश्वर देता है, इसलिए आप परेशान न होएं। बारिश भी रुक ही जाएगी, आप अपनी बेटी का ख्याल रखें, मैं चलता हूँ। इस तरह रानी चिड़िया अपनी बेटी को डॉक्टर कालू की मदद से अपनी बेटी को वह बचा लेती है और बारिश रुकने के बाद अपना नया घर भी तैयार कर लेती है। फिर तीनों खुशी खुशी वहाँ रहने लगते हैं।